हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस घटनाचक्र की सीरीज में। आज हम लेके आ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सामने। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हमारी जो ज्योग्राफी है उसको हम वर्ल्ड से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि एक बेस बनते हुए चले। जैसे कि हमारा सबसे पहला चैप्टर आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमी। सो ज्योग्राफी में हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बेस क्या है, बेसिकली लाइफ का फॉर्म बना कैसे, कैसे पृथ्वी आई, कैसे बाकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, सन क्या है, मून क्या है, ये सारी चीजें हमको एज अ बेस इसकी नॉलेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी को, क्योंकि इंडिया पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए आज हमारा घटनाचक्र का इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है ये है हमारा द यूनिवर्स। तो थोड़ी बहुत थ्योरी है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए, द फर्स्ट रेशनल, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, द फर्स्ट रेशनल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट वाज प्रोबेबली प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कॉम्टे डी बफ्रॉन इन 1749। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टार्स पार्टिसिपेटिंग इन दी ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, द साइंटिस्ट कंसेप्ट्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज मोनिस्टिक कंसेप्ट एंड डुअलिस्टिक कंसेप्ट। बस थ्योरी है, एक नजर देखते हुए चलेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अंडर द मोनिस्टिक कंसेप्ट इमैनुअल कैंट्स नेबुलर हाइपोथेसिस एंड लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस बिकेम फेमस। अंडर द ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट चेम्बरलिन एंड मॉल्टन प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस, एच एन रसल्स बाइनरी स्टार थ्योरी ईटीसी बिकेम नोटवर्दी। ये कुछ ऐसी थ्योरी है जो शायद आपके यूपीएससी में तो नहीं काम आने वाली, बट ये एक नजर हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं ताकि आगे जो क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं उसमें एक कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। जैसे कि बता रहा है कि हमारे जो मोनिस्टिक कंसेप्ट है इसमें इमैनुअल कैंट नेबुलर थ्योरी रही हाइपोथेसिस, लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी थी ये फेमस हुई, और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट में चेम्बरलिन थ्योरी थी, प्लेनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस थी, जेम्स जीन की थी, जेफरीज की थी, टाइडल थी। तो ये सब हमको एक नजर देखना है। द मोस्ट फेमस बिग बैंग थ्योरी हम देखते हैं, ये किसने दी है? बिग बैंग थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेटेयर ने। कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एकदम बेसिक्स हैं, तो इनको हम लोग लेके चलेंगे बिग बैंग थ्योरी को। जैसे बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? जॉर्ज लेमेटेयर ने। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए, वॉज द फर्स्ट टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। जॉर्ज लेमेटेयर जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम कह सकते हैं आपकी उस समय उस काल में थे जिन्होंने ये एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन दी। लेटर इन 1967 रॉबर्ट वैगनर प्रेजेंट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। फिर उसके बाद वैगनर जो है उन्होंने थ्योरी दी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ 13.7 और 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स एक्सपैंडेड फ्रॉम अ वेरी हाई डेंसिटी डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर स्टेट। देखिए बिग बैंग थ्योरी में आप लोगों ने, अगर देखिए, अगर आप यहाँ क्वेश्चंस लगाने आए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने काफी थ्योरीज को पहले से देख रखा है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी में आपने देखा होगा कि बहुत ही हाई डेंसिटी का पॉइंट था जिसके अचानक से ब्लास्ट करने पे एनर्जी जो है इधर उधर डिसिपिएट हो गई और उससे जो है अलग अलग प्लैनेट्स का नेबुलास का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उसी थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसकी बात हो रही है। आफ्टर द एक्सप्लोजन द यूनिवर्स एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन एंड डिफरेंट गैलेक्सीज ऑफ डिफरेंट शेप व फॉर्म, दस द यूनिवर्स इज कंप्राइजेस ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज। इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ गैलेक्सीज बन गई। ठीक है, उसमें नंबर इन्फिनाइट नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं अलग अलग दुनिया में, मतलब पूरी पूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो इसमें कुछ ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूनिवर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका यूनिवर्स है ऐसे करके मान लीजिए, तो ये जगह जगह से ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, ऐसे एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है यूनिवर्स। एक रेफरेंस पॉइंट था यहाँ पे, कहीं सेंटर में ग्रेविटी थी, उसके फटने के बाद से ये एक्सपैंड कर रहा है।
जिसमें आगे हम लोग देखते हैं ब्लैक होल भी एक ऐसे ही कंसेप्ट है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे कॉनकेव करके नीचे कहीं गैप बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई स्टार्स में हाई डेंसिटी होती है तो ये नीचे की तरफ पुल करने लगता है। तो इस तरीके से सब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अप्रोक्स 100 to 200 billion गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स एंड एवरी गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 100 billion स्टार्स। सोचिए, आर गैलेक्सी इज नोन एज आकाश गंगा मिल्की वे। देखिए, ये जो हमारी रानी मंदोदरी थी उनके समय का ये कहानी है। आई एम सॉरी, मंदोदरी मैं बोल रहा हूँ। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, एक राजा जी की कहानी थी जिसके बेसिस पे मतलब ये जो नाम है कुछ रखे गए हैं। मंदाकिनी, सॉरी मंदाकिनी वॉज द नेम। तो इस तरीके से हमारे गैलेक्सीज के नाम रखे गए हैं हमारे पुराणों के अनुसार और कहानियों के अनुसार। बाकी यहाँ पे हम इसको आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा था कि जो हमारी ये गैलेक्सी है ये एक तरीके से एक गंगा जी बह रही है स्पेस में। उस स्पेस में उस न जाने कितने ही अरबों खरबों शंख में जो है स्टार्स मौजूद हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने उसको रेफरेंस देते हुए इसको आकाश गंगा नाम दे दिया कि आकाश में एक गंगा बह रही है। सोचिए तो कितना महत्व है हमारे इस गंगा जी के नाम का कि इसको इंटरनेशनली आकाश गंगा कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी को। चलिए, शेप ऑफ द गैलेक्सीज वेरी इन शेप एंड साइज। सम आर स्पायरल, सम आर इरेगुलर एंड सम आर एलिप्टिकल। इन 2005 स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप गेव क्लियर एविडेंसेस दैट आर गैलेक्सी द मिल्की वे इज बार्ड स्पायरल। ऐसे स्पायरल की बात कर रहे हैं ये। यहाँ कहीं है हमारा मिल्की वे, ये आपका, ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई। यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है क्योंकि सोलर सिस्टम अभी नया है। जो पुराने हैं, जो हैवी हैं, वो यहाँ पे सेंटर में आके आके खत्म हो जाते हैं और जो नए हैं वो हमेशा कोने पे रहते हैं। तो ये मान लीजिए कि सोलर सिस्टम हमारा इस वाले इस पे है, ब्रांच पे। ठीक है, द यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फानाइट गैलेक्सीज। एवरी गैलेक्सी हैज अराउंड 100 billion स्टार्स। दीज स्टार्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस इन द यूनिफाइड फॉर्म नेबुला। देखिए, जब कुछ नहीं था संसार में तो क्या था, हम ये मान के चलते हैं, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन से एक नेबुला फॉर्म होता है, ठीक है, फिर उसमें डेंसिटी जो है धीरे धीरे बीच की तरफ बढ़ना शुरू होती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, ठीक है, हीलियम से आयरन, आयरन से कार्बन और कार्बन से सिलिका तक का सफर। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जिसे जिन लोगों ने पढ़ के आए हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग उस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए, अगर जो लोग नहीं भी पढ़ पे आए हैं तो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस के साथ ये सारी थ्योरीज आपको कोशिश करूंगा कि समझाता रहूं। द ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द यूनिफाइड फॉर्म। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, जैसे कोई एक नेबुला है, कोई स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में जो है जो पार्टिकल्स हैं इनका जमाव जो है बीच में बढ़ता चला जाता है, ऐसे करके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्टार का फॉर्मेशन होने लगता है, ऐसे गैसेस किनारे किनारे हल्की हल्की गैसेस के बीच में एक स्टार का फॉर्मेशन होने लगता है। हाँ, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन यूनिफाइड फॉर्म। वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस आर द फैक्टर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। देखिए क्या है, ऐसे घूमती हुई वेलोसिटी जो बढ़ती चली जाती है, प्रेशर जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है और हाई टेम्परेचर जो है इसका कारण है। द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार पासेस थ्रू डिफरेंट फेजेस। इन द फर्स्ट फेज अ प्रोटो स्टार इज फॉर्म्ड आफ्टर द स्टार एंटर द सेकेंड फेज आई ई द मेन सीक्वेंस। स्टार, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, द मेन सीक्वेंस स्टार। अ स्टार इज ऑफ द साइज ऑफ आर सन स्टेज इन दिस फेज फॉर अराउंड 10 billion ईयर्स। मतलब देखिए, 13 billion जो है, लगभग 13.8 billion जो है अभी एज बताई जा रही है यूनिवर्स की, और ये कह रहा है जो सन है
उसके बराबर के जो स्टार्स हैं उनकी लाइफ लमसम 10 बिलियन मानी गई है। अब अगर देखा जाए कि हमारे पृथ्वी का जन्म कब हुआ है, तो लगभग मान लीजिए कि 4 से 5 बिलियन, ठीक है, आगे उसको देखेंगे, कंफर्म करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी सन की उम्र है, मतलब मुझे लगता है 2-4 बिलियन साल और होगी। आफ्टर दिस फेज द फ्यूल ऑफ द स्टार आई ई हाइड्रोजन स्टार्ट गेटिंग यूज अप टू एन एक्सटेंट दैट द स्टार एंटर द थर्ड फेज टूवर्ड द डेथ। द लाइफ स्पैन ऑफ एनी स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज। अ स्टार ऑफ दिस साइज ऑफ द सन वन सोलर मास हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड दिस। द बिगर स्टार इज दिस द बिगर द स्टार इज द शॉर्टर इज इट्स लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टार हुज सर्फेस टेम्परेचर इज मोर देन 3000 केल्विन एंड विच इज 100 टाइम्स द साइन ऑफ साइज ऑफ द सन हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली अ फ्यू मिलियन ईयर्स। आफ्टर द मेन सिक्वेंस लाइफ ऑफ द स्टार एंड्स इट एंटर द एडर्ली फेज। मतलब ये कहना चाह रहा है जो जितना बड़ा स्टार होगा उसके लाइफ स्पैन उतना ही छोटा होगा। इन दिस फेज द आउटर लेयर ऑफ द स्टार एक्सपैंड्स ग्रेटली, इट बिकम्स अ रेड जायंट और रेड सुपर जायंट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड जायंट, जब स्टार्स का, जो बड़े स्टार्स होते हैं, जब उसमें एक, देखिए मान लीजिए कि ये स्टार है, ठीक है, उसकी उसका न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर का एरिया हो गया। अगर बाहर का एरिया ज़्यादा चौड़ा है, फैला हुआ है, तो क्या होगा कि ये इससे कटाव हो जाएगा, न्यूक्लियस अलग निकल जाएगा और ये जो बाहर का हिस्सा है ये कहीं बाहर ब्लास्ट होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो जो छोटा हिस्सा बचा, अगर कोई बिग स्टार है तो रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो बहुत बिग स्टार है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो छोटा स्टार है तो धीरे धीरे वो विलुप्त होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आफ्टर द रेड जियांट और सुपर रेड जियांट फेज अ स्टार विटनेस एन एक्सप्लोजन इन द फॉर्म ऑफ नोवा और सुपरनोवा दस एंटरिंग इट्स लास्ट स्टेज। ठीक है, ये छोटे स्टार की बात कर रहा है कि सुपरनोवा बन के वो ऐसे घूमते 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 खत्म हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज इट कैन एंड अप इन अ ब्लैक ड्वार्फ भी बन सकता है वो, एक छोटा सा काला सा कार्बन के बाद सिलिका में कन्वर्ट होकर के, या न्यूट्रॉन स्टार बन के ऐसे खूब तेज से नाचते हुए वो खत्म हो सकता है, या एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो एक बड़ा स्टार है तो। ठीक, यही चीज मैं बता रहा था। सन लाइक स्मॉल स्टार्स, इनके साथ क्या होता है जब ये रेड जायंट फेज के बाद जाते हैं किसमें, नोवा एक्सप्लोजन में, तो अगर स्टेलर मास 1.44 सोलर मास का है तो स्टार विल एंड अप बीइंग अ वाइट ड्वार्फ, एक वाइट ड्वार्फ बन के ये खत्म हो जाएगा फर्स्ट एंड देन इनटू अ ब्लैक ड्वार्फ। मतलब वाइट ड्वार्फ क्या हुआ आपका, सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक ड्वार्फ क्या हुआ आपका, कार्बन में। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट होकर के खत्म हो जाएगा। मीडियम साइज के स्टार्स के साथ क्या होगा कि जब ये रेड जायंट के फेज के बाद सुपरनोवा को अचीव करेंगे तो स्टेलर मास इज बिटवीन 1.4 to 3 सोलर मास, तो स्टार कैन कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार, जो बहुत तेज तेज से राउंड राउंड से ऐसे घूमता रहेगा बहुत तेज में, और घूमते घूमते के स्टेज के बाद आके ये भी खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं आपके लार्ज साइज स्टार्स, जिनका सोलर मास 3 से ज्यादा है सन के सोलर मास से, 3 गुना। तो दीज स्टार्स हैव द पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक होल आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, ईयर 1930 एडी में इंडो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। इन्होंने क्या किया था, चंद्रशेखर लिमिट डिफाइन की थी। क्या थी वो, कि जो भी स्टार की लिमिट अप्रोक्सीमेटली 1.44 टाइम्स दिस मास ऑफ दिस सोलर मास होगी वो डिटरमाइन करता है डेथ स्टेट ऑफ अ स्टार। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा, कोई भी वाइट ड्वार्फ होगा विथ लेस देन 1.4 सोलर मास तो वो रिमेन रहेगा वाइट ड्वार्फ हमेशा के लिए। वाइल अ स्टार दैट एक्सीड्स दिस मास इज डेस्टिन टू एंड इन लाइफ इन द मोस्ट वायलेंट ऑफ एक्सप्लोजन अ सुपरनोवा क्रिएटिंग न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट द चंद्रशेखर लिमिट इज डिटरमाइंड आफ्टर द नोवा और सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार हैज टेकन प्लेस। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी का स्टार का प्लेस ले लेगा, आ जाएगा उस फेज में, उसके बाद चंद्रशेखर लिमिट जो है उसको डिफाइन करेगी। प्राइमा फेसिया इट इज डिटरमाइंड बाई द मास ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द एक्सप्लोडेड स्टार। प्राइमा फेसिया कौन सा फेज है, वो डिटरमाइन किया जाता है जब एक्सप्लोडेड स्टार का मास जो बचता है उस पर, जो रेसिड्यू बचता है।
It is not sure that which of the main sequence stars leave a residual mass under or over 1.44 solar mass after explosion. ये मतलब श्योर नहीं है कि क्या सीक्वेंस होता है इसका, ये कहना चाह रहे हैं. However, it is estimated that stars with 8 times the size of our sun leave a residual mass equal to 1.44 solar mass after the explosion. ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा स्टार है जिसका साइज लगभग 8 गुना हमारे सन से है, तो वो लगभग रेसिडुअल मास जो है 1.44 सोलर मास का छोड़ता है एक्सप्लोजन के बाद. द स्टार्स ऑफ द लेटर केस हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लैक होल्स. ये है द हाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ब्लैक होल सक्स इन एनी रेसिड्यू ऑफ द एक्सप्लोडेड स्टार. जो बहुत ज्यादा मैटर जो बचता है एक ब्लैक होल जब बनता है, तो उसके किनारे के जो हाई किनारे की जो ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे आते जाती बॉडीज को सक कर लेता है अंदर. द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट इवन स्पेयर पासिंग बाय ऑब्जेक्ट्स विद द पासिंग ऑफ द टाइम. द ब्लैक होल गेट्स स्मॉलर इन साइज टिल इट रीचेज द साइज ऑफ अ सैंड ग्रेन. ठीक है, द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग, जो ग्रेविटेशनल पुल है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी आते जाते ऑब्जेक्ट्स को विद द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी आते जाते ऑब्जेक्ट को वो छोड़ता नहीं है. और विद द पासिंग ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता है द ब्लैक होल गेट्स स्मॉलर इन साइज. जैसे जैसे समय बीतेगा तो ब्लैक होल जो है वो छोटा होता चला जाएगा टिल इट रीचेस द साइज ऑफ अ सैंड ग्रेन. जब तक वो एक धूल के कण जितना जो है साइज उसका नहीं हो जाता. मान लीजिए कि एक ब्लैक होल है और ये इसका नीचे का डेंसिटी पुल कर रहा है, ये सिंगुलैरिटी है इसकी. यहाँ पे सारा सामान आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये एक लिमिट तक जो है नीचे भर रहा है. मान लीजिए कि इस तरीके से एक बकेट टाइप का नीचे बन रहा है, तो जब ये बकेट फुल हो जाएगा, जब एकदम जगह फुल हो जाएगी, ये भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सैंड ग्रेन के जितना रह जाएगा. जो थ्योरीज अभी तक लगाई गई है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, ब्लैक होल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वॉज प्रेजेंटेड बाई डॉक्टर एस चंद्रशेखर ऑन 11th of January 1935 इन द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ लंडन. चलो अब बताओ आप लोग 1935 में मॉडर्न हिस्ट्री में इस समय क्या हो रहा था, कमेंट बॉक्स में बताओ. ही प्रेजेंटेड द ओरिजिनल पेपर्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट. इन द ईयर 1983 अ कंबाइंड नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू डॉक्टर एस चंद्रशेखरा एंड डब्ल्यू ए फाउलर. चलो इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया जिसमें फाउलर भी हैं. अब भाई अंग्रेज थे तो अपना तो क्रेडिट लेंगे ही वो. आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन द स्टार बिकम्स डेड, हेंस अ सुपरनोवा इज द एक्सप्लोजन ऑफ अ डाइंग स्टार. ठीक, इसका मतलब सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो है वो डाइंग स्टार से जुड़ा हुआ है, संबंधित है. द सन इज वन ऑफ द स्टार ऑफ आर गैलेक्सीज द मिल्की वे. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर इज 7.94 किलो पारसेक, दैट इज 25,896 लाइट ईयर्स विथ अ स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर पर सेकेंड. जो हमारा सन है कि हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है, तो ये जो हमारा ये वाला सन है, जो ये हमारे क्योंकि गैलेक्सी का हिस्सा है तो इस गैलेक्सी का ऐसे करके राउंड राउंड लगाता है. ठीक है, तो ये जो स्पीड से लगाता है ये होता है हमारा 220 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. सोचिए एक सेकेंड आपने पलक झपकी और 220 किलोमीटर हमारा पूरा सोलर सिस्टम, पूरा सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में चक्कर लगा लिया. ये सॉरी मैं गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक किया. जैसे ये जो स्पीड है ये तो सन की बता रहा है ना, क्या बता रहा है, द सन ऑफ द स्टार ऑफ आर गैलेक्सी द मिल्की वे. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर. गैलेक्टिक सेंटर मतलब हो गया इस गैलेक्सी के सेंटर में ये. ठीक है, इट्स 7.94 किलो पारसेक, दैट इज 25,896 लाइट ईयर. मतलब मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो ये डिस्टेंस है सन की सेंटर से. ठीक है, और जो ये राउंड लगा रहा है तो यहाँ पे सन की बात हो रही है. विद अ स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर पर सेकंड इट टेक्स द सन अप्रोक्सीमेटली 22.5 करोड़ ईयर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द गैलेक्सी. मतलब ये सन जो है ना, ये जो यहाँ एक गैलेक्सी बनी है, सन इसका राउंड मारने में इतना टाइम लगाता है और इस स्पीड से लगाता है. और आपको बताऊं ये गैलेक्सी भी हमारे, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी का राउंड लगा रहा है. समझ रहे हैं आप, सब एक दूसरे का राउंड लगा रहे हैं सब.
चलिए हेंस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सन टू ऑर्बिट वंस अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज नोन एज वन कॉस्मिक ईयर। वन गैलेक्टिक ईयर किसको बोलेंगे? जो समय सन को लगता हो हमारे गैलेक्सी के सेंटर के किनारे रिवॉल्व करने में। आईई हमारा सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सोलर सिस्टम ये है कि सन के किनारे घूम रहा है, ठीक है? यही तो पूरा सोलर सिस्टम हो गया। इसके बीच में हमारे सन पिताजी हैं। अब ये पिताजी जो हैं, जब ये पूरे गैलेक्सी का चक्कर मारना शुरू करेंगे ऐसे करके, ठीक है? जब ये पिताजी गैलेक्सी का चक्कर ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? इसको हम एक गैलेक्टिक ईयर बोलेंगे। यही हो गया हमारा गैलेक्टिक ईयर। चलो आगे बढ़ते हैं। गैलेक्टिक ईयर, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन एस्ट्रोनॉमी एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। सन से लाइट निकलती है तो वो एक आपका जो है वैक्यूम की बात कर रहा है कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है। जितना एक साल में, मतलब है तो देखिए ये 365 दिन, ठीक है, लेकिन इसको जो है डिस्टेंस में नापा जाता है, टाइम में नहीं, डिस्टेंस में नापा जाता है। तो एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो वह यहाँ पे 1 लाइट ईयर की बात कर रहा है। लाइट ईयर इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। स्टार्स के बीच में दूरी तय करने के लिए लाइट ईयर को यूज किया जाता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लाइट ईयर इज द डिफरेंट यूनिट एज द फॉलोज। जैसे मीटर्स में अगर देखेंगे तो 10⁵15 हो जाएगा। किलोमीटर में देखेंगे तो 9, सॉरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लाइट ईयर इन डिफरेंट यूनिट इज एज फॉलोज। अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना लाइट, तो वो मीटर, किलोमीटर और मिली सेंटीमीटर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या कह रहा है? अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन एस्ट्रोनॉमी। जो लाइट ईयर है ये यूनिट ऑफ लेंथ है। समय तो 365 दिन लग रहा है, लेकिन ये हमारी लेंथ होती है लाइट ईयर की, इतने लाइट ईयर दूर हो गया। एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी हो गई वेलोसिटी, कितना किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये आपका स्पीड हो गई। लाइट ईयर इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। तो ये तो लाइट की स्पीड हो गई। अब जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस ही कवर करता है लाइट ईयर में, तो ये बता रहा है कि 9.461 × 10⁵15 मीटर में आ गया, किलोमीटर में 10⁻½ आ गया, मिलीमीटर में 10⁻18 आ गया, इस तरीके से पूरा दे रखा है। सेलेस्टियल यूनिट में आपका ये आ गया 63.24 × 10⁻³। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, सेलेस्टियल यूनिट। आगे पूछेगा क्वेश्चन। माइल्स में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उसी हिसाब से। चंद्रशेखर लिमिट इज अ लिमिट एक्सीडिंग विच द फ्री रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जाइज्ड इनफ टू लीव देयर ऑर्बिट लीविंग बिहाइंड द न्यूट्रॉन्स। दिस कंडीशन इज नोन एज अ न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर। ऊपर डिस्कस हो गया। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म एन इमेजिनरी आउटलाइन और पैटर्न ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर ट्रॉपिकली रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल माइथोलॉजिकल पर्सन और क्रिएचर गॉड और एन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है बेटा? वो ग्रुप ऑफ स्टार्स हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हो गया। एक व्यक्ति खड़ा है डंडा लेके, ठीक है? तो आपने देखा होगा एक स्कॉर्पियन वाला होता है स्टार, ठीक है? एक हिंदी में सुना होगा अपने नारी होता है, मतलब वही ग्रुप्स होते हैं जो कॉन्स्टिलेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंटिंग एनिमल माइथोलॉजिकल पर्सन क्रिएचर और गॉड। अ जनरल लिस्ट ऑफ 88 कॉन्स्टलेशंस वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन 1922। 88 कॉन्स्टलेशंस का जो है एक ग्रुप, मतलब प्रोड्यूस किया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU 1922 की बात कर रहा है।
ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अर्सा मेजर, बिग बियर एंड सप्तऋषि। देखिए हिंदी में हम जिसको सप्तऋषि कहते हैं, ऐसे 4 स्टार और ऐसे 3 स्टार रहते हैं उसमें, तो इसको हम लोग अर्सा मेजर भी कहते हैं या बियर कॉन्स्ट ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमारे सप्तऋषि होते हैं तो अर्सा मेजर या तो ग्रेट बियर इसको बोलते हैं, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन द पोजिशन ऑफ पोल स्टार कैन बी इजिली लोकेटेड। इट इज सिचुएटेड इमिडिएटली अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ये आपका अर्थ हो गया, अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधे आपको पोल स्टार यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ पोल स्टार कैन बी इजिली लोकेटेड, इट इज सिचुएटेड इमिडिएटली अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। विद द हेल्प ऑफ द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन द पोजिशन ऑफ पोल स्टार कैन बी इजिली लोकेटेड, ठीक है। द ओरियन नेबुला इज अ डिफ्यूज नेबुला सिचुएटेड इन द मिल्की वे। इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट नेबुला एंड इज विजिबल टू द नेकेड आई इन द नाइट स्काई। ओरियन नेबुला की बात कर रहा है, ओरियन जो है नेबुला जो है आपका स्टार्स का एक फॉर्मेशन हो रहा है। नेबुला क्या होता है, वही होता है निहारिका, नेबुला दैट इज निहारिका, ठीक है, जो स्टार्स की एक प्री प्री स्टेज होती है, प्री स्टेज ऑफ स्टार। तो ये बता रहे हैं ओरियन जो है, ओरियन ये आपको नेकेड आइज से दिख सकता है रात में, ठीक है। पूछ लेगा क्वेश्चन कौन सा ऐसा है जो नेकेड आइज से दिख सकता है, तो आपको याद रखना है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये है क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। बिटलगीज सेंटुअरी इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, ये क्लोजेस्ट स्टार है सन के, सन के जो सबसे करीबी स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंटुअरी, और बिटलगीज जो सेंटुअरी था ये था सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार जो पूरे कॉन्स्टेलेशन में था इस पूरे। इट इज 650 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। बिटलगीज वाज द फर्स्ट सीन इन द ईयर 1836 बाय सर जॉन हर्शल। हाउएवर इट वाज ओनली इन द ईयर 1995 व्हेन हबल टेलीस्कोप क्लिक द फर्स्ट पिक्चर ऑफ इट। मतलब अगर कहेगा बीटलगीज की पहली तस्वीर किसने खींची, तो वो हो जाएगा हबल टेलीस्कोप। आफ्टर सन इट वाज द सेकंड स्टार हुज पिक्चर वाज टेकन। सन के बाद ये दूसरा स्टार था बीटलगीज जिसकी पिक्चर हमारे द्वारा ली गई थी इंसानों द्वारा। स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स। स्टार्स जो हैं वो हमारे नॉर्थ और साउथ के सेलेस्टियल पोल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं एंड पैरेलल टू द सेलेस्टियल इक्वेटर। द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स अपीयर डायरेक्टली ओवर हेड द अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली लाइकवाइज द सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्लेस डायरेक्टली ओवर हेड द अर्थ इक्वेटर एंड ऑलवेज स्टे परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द पोल्स। द सेलेस्टियल इक्वेटर इज डिफाइंड टू बी इनफाइनेटली डिस्टेंट, ठीक, सेलेस्टियल इक्वेटर तो दूर हो ही जाएगा। दस द एंड ऑफ द सेमी सर्कल ऑलवेज इंटरसेक्ट द होराइजन ड्यू टू ईस्ट एंड ड्यू टू वेस्ट, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर्स पोजिशन ऑन अर्थ, अ मैन सिटिंग इन अ स्पेस शटल कैन सी द स्काई ओनली ब्लैक बिकॉज इन स्पेस देर इज नो एटमोसफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आईएएस का क्वेश्चन है, इसको पूरा मार्क कर लो, इसको ये आपके बहुत काम आने वाला है। अ मैन सिटिंग इन अ स्पेस शटल कैन सी द स्काई ओनली ब्लैक बिकॉज देर इज नो स्पेस इन दो नो एटमोसफेयर इन दिस स्पेस, ठीक है। चलिए अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, क्वेश्चंस लगाते हैं यूनिवर्स के, ठीक है। आंसर्स मैंने यहाँ पे हिडन कर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर्स दे दोगे, अगर इन केस नहीं भी दे पाओगे तो हमारे पास सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, चलिए 5 सेकेंड्स का टाइम। उम्मीद है कि आप लोग को आंसर पता होगा, जी हाँ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। थ्योरी फिर से पढ़ लेते हैं। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मिल्की वे एंड सोलर सिस्टम। द थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई जॉर्ज लैमेटियर 1894, 1966, लेटर इन 1967 रॉबर्ट वेगनर एक्सप्लेन दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द होल यूनिवर्स वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ हॉट एंड डेंस पॉइंट सम 13.7 टू 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन देयर वॉज अ सडन एक्सप्लोजन विच वॉज टर्म्ड एज बिग बैंग, ठीक है।
चलिए, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, बताइए मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसको किस शेप में क्लासिफाई किया गया है? फटाफट बताइए. 1, 2, 3, 4, 5. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी. पढ़ा था हम लोगों ने, अभी रीड किया था, फिर से रीड कर लेते हैं फटाफट. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाई जॉर्जेस लेमाटियर 13.8 बिलियन अगो, द टोटल कॉस्मिक सब्सटेंस वॉज इन द फॉर्म ऑफ डेंस मास, विच इज बेड टू द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ गैलेक्सीज एंड इन्फिनाइट ग्रुप ऑफ दीज स्वर्लिंग गैलेक्सीज आर विजिबल टू अस कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स. एवरी गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू कंटेन अराउंड 100 बिलियन स्टार्स. द गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इज नोन एज मिल्की वे. देर आर वेरियस शेप्स ऑफ गैलेक्सीज, फॉर एग्जाम्पल एलिप्टिकल, स्पायरल, इरेगुलर. स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप इन 2005, स्पिट्जर टेलीस्कोप इन 2005 प्रोड्यूस्ड क्लियर प्रूफ अगेंस्ट द प्री कंसेप्शन अबाउट द शेप ऑफ मिल्की वे एंड मेड इट क्लियर दैट द शेप ऑफ आर मिल्की वे इज बार्ड स्पायरल. ठीक है, द शेप ऑफ आर मिल्की वे इज बार्ड स्पायरल, ये इम्पोर्टेंट. फटाफट इसलिए देख रहा हूँ कि रिविजन होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा स्पीड में भी वीडियो को कर सकते हो या तो फॉरवर्ड भी कर सकते हो. ठीक है, कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है. टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी, देखिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, वो भी 95 का. तो जो वन डे एग्जाम्स हैं या आरओएआरओ हैं या इस टाइप के जो छोटे, खैर इस बार तो आरओएआरओ का एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ आया है. तो मतलब फैक्ट्स हैं, एक नज़र स्टेटमेंट एक लाइन में कहीं आ सकता है, तो याद रखना है. टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज 25 करोड़ ईयर्स. ठीक है, इसमें भी वही सारी बता रखी हैं चीज़ें कि सन रिवॉल्व करता है, गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं, गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं उसको. तो ये सारी चीज़ें किलोमीटर, 220 किलोमीटर पर सेकेंड वाली चीज़ बता रखी जो मैंने ऊपर बताई थी आपको. द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स इट्स, अब देखिए जिसने स्टार के बारे में पढ़ा था उसका जन्म उसका मरण, तो वो इसको जानता होगा. आईएएस प्री का क्वेश्चन है 94 का, बाकी अन्य एग्जाम्स में आ सकता है, पीसीएस में भी दोबारा रिपीट कर सकता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट. करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर. देखिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इस चीज़ को एक नज़र देख लीजिए, एग्जाम बहुत करीब है. तो ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता है. अगर ब्लू में थोड़ा वाइटिश है, उससे कम वाइट हो गया है, उससे कम वाइट येलोइश है, उससे कम, ऐसे करते करते जब वो रेड में पहुंच जाता है तो उसका ये टेम्परेचर होता है. आप लोग बताइए कि हमारा सन जो है वो किस कलर का है, नीचे कमेंट में बताइए फटाफट. चलिए, द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड, क्या नाम बताया था मैंने, बहुत ही फेमस नाम, सुब्रमण्यम. एडिंगटन नहीं हो सकते, फाउलर क्या हो सकते हैं, क्योंकि फाउलर को उनके साथ मिला था चंद्रशेखर होयले. द करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर लिमिट. ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जो हैं ये हमारे भारत के हैं. वॉज एन इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट हु डिस्क्राइब द चंद्रशेखर लिमिट. ठीक है, द लिमिट डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम मास ऑफ अ वाइट ड्वार्फ स्टार और द मास लिमिट अबव विच अ स्टार विल अल्टीमेटली कोलैप्स इन टू अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल. ही रिवील दैट दिस मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1.44 ऑफ द सोलर मास. इन 1983 चंद्रशेखर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. ठीक है, 1983 में चंद्रशेखर जी को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में. चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज अ सेलेस्टियल फिनोमिनन अकरिंग ड्यू टू स्टार्स, इसमें से कौन सा ऐसा सेलेस्टियल फिनोमिनन है जो स्टार्स की वजह से अकर कर रहा है? क्या ओजोन होल होता है? नहीं. रेनबो? नहीं. कॉमेट? नहीं. ब्लैक होल? यस, द आंसर इज ब्लैक होल.
बताया था ना, स्टार जब कोलैप्स करते हैं तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, यहाँ पे सारी चीजें जो है इसके पास खींचती हुई चली जाती हैं, इवन बड़े बड़े प्लैनेट जो होते हैं वो भी इसमें खींच के अंदर चले जाते हैं ब्लैक होल में। तो डिपेंड करता है प्लैनेट का मास कितना है, ब्लैक होल के अंदर का ग्रेविटेशनल पुल कितना है, एस्केप वेलोसिटी एक चीज होती है, अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ऐसे ही इसके बाहर से निकल जाती है तो यहाँ से एस्केप कर सकती है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, एट क्वेश्चन। अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। ये ब्लैक होल है, इसके आगे जो है इवेंट होराइजन है। ठीक है, इवेंट होराइजन ये इसका पॉइंट है जहाँ के नीचे की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, और ये इसका जो है एरिया है जिसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ऊपर वाला एरिया। तो ब्लैक होल को पूर्णतः इस टेलीस्कोप से देखना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या दे रहा है, देखिए कैसे भी किसी भी असर्शन रीजन को कैसे देखा जाता है। अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप बिकॉज, बिकॉज करके रीजन जोड़ो हमेशा समझने के लिए। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट ई अलाउ इवन लाइट टू एस्केप। तो मेरे हिसाब से तो ए इसका आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं, करेक्ट। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबली टू ऑब्जर्व अ ब्लैक होल डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। द इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ ब्लैक होल ड्यू टू द हाई डेंसिटी डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशंस। इवन लाइट रेज कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल इज एसर्टेन्ड बाई द बिहेवियर ऑफ स्टार्स गैसेज एंड मासेस नियर इट विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेलीस्कोप। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लैक होल है, ठीक, ये ब्लैक होल है, इसके बाहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने टेलीस्कोप लगा के रखा है और आप देख रहे हो अपनी आईज से, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई देगा कि इसकी आसपास के क्षेत्र में हो क्या रहा है, क्या कोई प्लेनेट है जो अंदर खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कोई एस्केप वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से चीजें जो बाहर आती हुई दिख रही है, मतलब एक धुआं टाइप का, एक लेयर टाइप की आपको दिखाई देगी टेलीस्कोप पे, यही ये बुदबुदी सी लेयर जो दिखाई देगी, इससे आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि चीजें खिंच रही हैं। ये आपकी लाइट जो है केवल इस बाहरी एरिया को देख पाएगी ऐसे, ठीक है। आप इस रेड वाले एरिया को तो देख सकते हो, लेकिन अंदर जो ब्लैक वाला एरिया है उसको आप नहीं देख पाओगे, ये एरिया आपके पहुंच से बाहर है। इस तरीके से कुछ होता है ब्लैक होल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशंस टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। क्या उसका साइज स्मॉल होता है बहुत? वेरी लार्ज साइज। क्या उसके बहुत बड़े लार्ज साइज होने की वजह से हाई डेंसिटी होती है अंदर, या लो डेंसिटी होती है? आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर, डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से। चलिए, ब्लैक होल वॉज फर्स्ट मेड नोन बाई किसके द्वारा बताया गया, बताइए। हरमन बैंडी, मेघनाथ साहा, जेवी नार्लिकर। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग पढ़ के नहीं आए ज्योग्राफी की थ्योरी, ये मत सोचिएगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे दें। अभी मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी डिस्कस की थी, अगर नहीं देखा है वीडियो बका दिया था तो जाओ वापस देख के आओ। देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ब्लैक होल की जो बात है ना, वो सारी की सारी सोलर मास से रिलेटेड जो चंद्रशेखर जी ने हम लोग को बताया था थ्योरी, उस हिसाब से है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रशेखर जी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर हु डिटेल्स गिव डिटेल्स ऑन ब्लैक होल थ्योरी। ही इज नोन फॉर चंद्रशेखर लिमिट विच शोड दैट देयर इज अ मैक्सिमम मास विच इज सपोर्टेड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, बाई प्रेशर मेड बाई इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लाई। जैसे ये बीच में न्यूक्लियस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये बाहर की तरफ पुल करते हैं, न्यूक्लियस अंदर की तरफ पुल करता है, तो जो अंदर हैवी डेंसिटी वाले होते हैं, बिग स्टार्स होते हैं, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको 83 में मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, याद रखो।
इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल वॉज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाई चंद्रशेखर जी। हाँ सर, देखने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, द ब्लैक होल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई चंद्रशेखर जी। आंसर मत देखो अब जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हों। द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। बताइए, अभी सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन का नाम लिया था मैंने, ब्लैक होल्स के रिलेटेड, और स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन की थ्योरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ द सोलर एंड द ल्यूनर इक्लिप्स गलत, प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ गलत, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ गलत। ये इज द आंसर। इवेंट होराइजन क्या है ये? इट इज अ बाउंड्री विच डिफाइंस द एरिया सराउंडिंग ब्लैक होल इन स्पेस। बियॉन्ड दिस बाउंड्री इवेंट कैन नॉट अफेक्ट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। ये वाला हो गया, ये ऊपर की चीज दिख रही है, ये अंदर ब्लैक होल दिख रहे हैं। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये लेयर जो दिख रही है पहली, यही इवेंट होराइजन लेयर है। इसको ऐसे समझ सकते हो। ये वाली जो लेयर है, ये सिंगुलरिटी क्या होती है? इट इज अ प्लेस इन दी स्पेस टाइम वेयर द ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज बिकम इनफाइनाइट। ये है सिंगुलरिटी, ये नीचे वाली, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाती है, जहाँ नीचे जाके बैठ रहा है सारा सामान। स्ट्रिंग थ्योरी क्या बताती है? स्टेट दैट ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ टाइनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग, नॉट पॉइंट पार्टिकल्स। स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो फिजिक्स का है, थ्योरी डिस्क्राइबिंग थ्री ऑफ आर फोर नॉन फंडामेंटल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, अब बताओ सुपरनोवा क्या है? फटाफट बताओ भाई। सुपरनोवा क्या बताया था मैंने, किससे रिलेटेड है? डाइंग स्टार से। डी आंसर पढ़ लो एक बार और। इज अ लाइक एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ स्टार्स की लाइफ साइकिल के। सुपरनोवा हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कोर ऑफ द सेंटर ऑफ स्टार। अ चेंज कैन अकर इन टू डिफरेंट वेज विद बोथ रिजल्टिंग इन सुपरनोवा। द फर्स्ट टाइप सुपरनोवा हैपेंस इन बाइनरी स्टार सिस्टम वेयर इन टू स्टार ऑर्बिट द सेम पॉइंट। द सेकेंड टाइप ऑफ सुपरनोवा अकर एट द एंड ऑफ द सिंगल स्टार्स लाइफ टाइम। ठीक है, दो टाइप के सुपरनोवा। हाउ मेनी कॉन्स्टेलेशंस आर इन आवर स्पेस? देखिए क्वेश्चन कब का है, 2000 का। आज की डेट में आप लोग अपडेट कर लीजिएगा इंटरनेट के माध्यम से कितने ज्यादा हैं अभी। उसके हिसाब से 2000 के हिसाब से कितने थे? 88। बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट? इसमें से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है? जिन्होंने स्टार्स की थ्योरी पढ़ रखी है वो बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर एंड ब्रिटल स्टार। देखिए ए, सी और डी, ये तीनों स्टेजेस स्टार की। बी जो है ना, ब्रिटल स्टार, ये एक मछली का नाम है। क्या कह रहा है? ब्रिटल स्टार जो है ये एकिनोड्रम्स है इन द क्लास ओफियोरोइडिया क्लोजली रिलेटेड टू स्टार फिश। दीज आर एक्वेटिक क्रिएचर्स एंड क्रॉल ऑन द सी सर्फेस। वाइल पल्सर इज सेलेस्टियल बॉडी एमिटिंग वेरी रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स। पल्सर वो स्टेज जहाँ पे ऐसे घूमते घूमते न्यूट्रॉन स्टार जो है रेडियो वेव्स फेंकने लगता है। ठीक है, क्वासर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ वेरी हाई ल्यूमिनिसिटी फाउंड इन द सेंटर्स ऑफ सम गैलेक्सीज एट अ डिस्टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। क्वासर एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा उसके अंदर चमक होती है, गैलेक्सीज के बीच में पाया जाता है। ब्लैक होल पढ़ ही लिया हम लोगों ने, बहुत ज्यादा हाई इसमें ग्रेविटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्पेस? क्या नहीं मिलता? पल्सर है, ब्लैक होल है, क्वासर है, ब्रिटल स्टार। फिर रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको आप ध्यान देते हो। चलिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड। जल्दी जल्दी बताओ, भालू वाला शेप बताया था, उर्सा मेजर, सप्तऋषि, क्या था वो कॉन्स्टेलेशन? हबल स्पेस टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेल्ड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ अ डिस्टेंट स्टार। नेम ऑफ द स्टार इज, बताओ। 1995 का क्वेश्चन है, रिलेवेंस कम है आज की डेट में, आंसर पता होना चाहिए। उस समय क्या था? बिटलगेज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द अर्थ एंड सन विल सी दैट
फिर से देखो, पर्सन इन स्पेसक्राफ्ट, एक बंदा स्पेसक्राफ्ट में बैठा है, सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द अर्थ एंड सन। सन ये है और ये आपकी पृथ्वी है, इसके बीच में कहीं बैठा है बंदा स्पेस पे, ठीक है? वो क्या देखेगा? स्काई इज ब्लैक दिखेगा उसको, याद करो एक स्टेटमेंट पे मैंने हाईलाइट किया था, स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ द अर्थ सरफेस। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई, इसमें कौन सा आंसर होने वाला है? आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 96 में आया है, मतलब पीसीएस में तो फॉर श्योर रिपीट हो सकता है और हुआ है। चलिए बताइए फटाफट। चलो एक काम करो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप इसकी थ्योरी पढ़ लो एक बार। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर इन स्पेस द स्काई अपियर्स ब्लैक एंड स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय द पासिंग ऑफ लाइट थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ टर्बुलेंट एटमोसफेयर। सिमिलरली इट इज ड्यू टू द एटमोसफेयर दैट लाइट स्कैटर्स टू लेट अस सी द ब्लू स्काई। अब जल्दी से बताओ ऑप्शंस कौन से सही हैं, जल्दी कमेंट करो फटाफट। अरे अब तो बता दो भाई, बी है इसका आंसर, 1 एंड 2। तीसरा क्यों नहीं है सही बताता हूँ, स्काई इज ब्लैक, स्काई तो ब्लैक आपको दिखेगा ही बाहर, ठीक है? क्योंकि वहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, जैसे ही आपका सन है इससे लाइट निकली, तो अर्थ पे हमें लाइट क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ पे लेयर्स हैं, डस्ट है, पार्टिकल है, वाटर वेपर है, क्लाउड से इससे लाइट छनती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो हमको लाइट दिखती है। स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, अगेन फिर वही वाला कंसेप्ट है, जब स्टार्स की लाइट सब अर्थ पे आती है, हमारे अर्थ पे जब लाइट आती है तो क्या होती है कि लेयर्स की वजह से वो ऐसे रिफ्रैक्शन होता है तो चमकती हुई दिखाई देती है, जबकि चमक नहीं रहा होता स्टार। टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसक्राफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ द अर्थ सर्फेस, कैसे हो सकता है बताओ? नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर अर्थ पे इसलिए महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, वाटर वेपर है, जब सन की हीट आती है तो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, नीचे हमारे जमीन से उठ के भाप बन के ये फिर ट्रैप हो जाती है, तो ट्रैप 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 होके हमको गर्मी लगती है। अदरवाइज सन के सामने स्पेस में जाके खड़े हो जाओगे बीचों बीच तो तुमको गर्मी नहीं लगेगी, और खास तौर से इतनी तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम अर्थ से ज्यादा गर्मी तुमको वहां लगने लगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है? चलिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बताओ फटाफट फटाफट, ये स्टेटमेंट मैंने बताया था आप लोगों को, फटाफट बताओ, क्या टाइम था 365 दिन वाला, क्या चमक की थी, नन ऑफ दीज था, डिस्टेंस था, क्या था? डिस्टेंस, ठीक है? मीटर किलोमीटर वाला फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे बता दिया था मैंने, 9.461 × 10^15 मीटर्स, याद हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम, इसमें से नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम कौन सा नहीं है? फटाफट देखते हुए चलते रहो भाई, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम नहीं है क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया है। ट्रॉपिकल ईयर एक नेचुरल टाइम है, लूनर मंथ एक नेचुरल टाइम है, डे भी एक नेचुरल टाइम है। क्यों? क्योंकि डे जो है उतनी देर में पृथ्वी एक रिवोल्यूशन रोटेशन कंप्लीट करती है, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट जब करती है सन का तो क्या हो जाता है, वो 365 दिन का एक साल हो जाता है, 1 ईयर, ठीक है? यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज मोस्ट ऑफन यूज इन मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट ईयर इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10^5 किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज लाइट ईयर। चलिए 24वां, इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन, कह रहा है स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर, एकदम सीधे 90 डिग्री पे अगर होराइजन पे दिख रहे हैं किसी ऑब्जर्वर को तो वो कहाँ पे खड़ा है। ये थ्योरी बिल्कुल लास्ट में पढ़ी थी मैंने, ठीक है? एक बार इस थ्योरी को भी पहले पढ़ो तब आंसर दो। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2001 का, स्टार्स मूव पैरेलल टू सेलेस्टियल इक्वेटर अराउंड नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स। सेलेस्टियल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर स्ट्रेट ओवर हेड टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड सेलेस्टियल इक्वेटर इज ऑलमोस्ट एट ओवर हेड टू
to the geographical equators and at 90 degree to poles. It creates occlusion from the point of east and west at the horizon. The degrees of celestial poles are equal in number to latitude of the equator for the horizon. If an observer sees the stars perpendicular to the horizon, he is located at the equator. ठीक है, ये आपका इक्वेटर है. अगर आपको स्टार ऐसे ऊपर जाते दिख रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आप इक्वेटर पर खड़े हो. आंसर हमको मिल गया, ठीक है, ए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वॉन्टेड टू रीच हिज विलेज विच वॉज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. ठीक है, वो यहाँ खड़ा है, उसके 5 किलोमीटर ईस्ट में जो है उसका विलेज है. ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार. द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार. कहाँ होगा, उसके नॉर्थ में होगा, जस्ट ओवर हेड होगा. ठीक है, यहाँ पे इसका पोल स्टार रखा है. अब आंसर आप लोग बताइए क्या होगा. डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट. अब बताओ क्या होगा. अगर वो इस तरफ बढ़ रहा है तो पोल स्टार किधर रहेगा, इसके लेफ्ट में रहेगा ना. पोल स्टार शाइंस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, हैंस इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड द ईस्ट द पोल स्टार शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड. आंसर विल बी सी. The group of stars that indicates the direction of pole is Saptarishi. याद कर लो भैया, fact है. Which one of the following is not related to space terminology? Space की terminology में से इसमें से कौन सा related नहीं है? Telemetering, weightlessness, cislunar, byte. Byte भैया, byte. Byte, kilobyte, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेराबाइट. ठीक है, देख लो आंसर सही है ना. चलो करते चलो करते चलो. तो हमने अपना पहला चैप्टर आज खत्म कर लिया है, द यूनिवर्स. अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग मिलते हैं जल्द, बहुत जल्द. सोलर सिस्टम अगला हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा. तो आप लोग जुड़े रहिए सीरीज से, घटना चक्र की पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए. जय हिंद, जय भारत.